Dear student, good morning. Today in online classes we will read the book on page 38, Importance of Plants are suitable for agriculture. जो plants हैं वह खेती के लिए suitable हैं, उपयुक्त हैं. As many rivers flow through them, जैसे कि उनके द्वारा बहुत सी नदियाँ बहती हैं. The rivers which flow down, जो नदियाँ बहती हैं from the mountains, पर्वतों से, carry sand and silt. वो अपने साथ बालू और सिल्क ले जाती हैं एंड डिपॉजिट दी मटेरियल्स और इन मटेरियल्स को जमा करती हैं ऑन दियर बैंक्स उनके किनारों पर इन प्लेन्स प्लेन्स में दस प्लेन्स आर वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इस तरीके से जो प्लेन्स हैं वह फसलें उगाने के लिए बहुत सुटेबल हैं. मैनी एंशियंट सिविलाइजेशंस कई प्राचीन जो सिविलाइजेशंस हैं केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स को नदियों के किनारे आई सच एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मैनी टाउन्स एंड सिटीज आर लोकेटेड जैसे कि कई शहर और कस्बे लोकेटेड हैं इन प्लेन्स में दे आर थिकली पॉपुलेटेड वो घनी आबादी वाले हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर वेल डेवलप्ड जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस हैं वो भली भांति डेवलप्ड हैं इन प्लेन्स में एज इट इज ईजियर जैसे कि यह सरल है टू कंस्ट्रक्ट रोड्स क्योंकि सड़कों का निर्माण करना या स्पोर्ट्स का एंड कैनल सिस्टम्स इन दिस एरिया इस एरिया में क्षेत्र में. रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स जो नदियाँ हैं वो नेचुरल चैनल्स हैं प्राकृतिक चैनल्स हैं. कैरिंग वाटर जो पानी ले जाती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स पर्वतों से एंड रेन वाटर और वर्षा के पानी को इट स्टार्ट से स्मॉल स्ट्रीम इन द माउंटेन्स ये पर्वतों में छोटी सी एक स्ट्रीम को स्टार्ट करती हैं ज्वाइन अदर रिवर्स और दूसरी अन्य नदियों को ज्वाइन कर लेती हैं टू फ्लो इनटू द सी समुद्र में बहने के लिए और ओशियन ड्यूरिंग इट्स जर्नी अपनी यात्रा के दौरान इट पासेज थ्रू थ्री स्टेजेज या तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है अपर कोर्स मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. इन इट्स अपर कोर्स अपने अपर कोर्स में इट इज और इट ऑरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स या पर्वतों से ऑरिजिनेट होती है एंड गसेज डाउन एट हाई स्पीड और नीचे हाई स्पीड की ओर चली जाती है. कटिंग थ्रो ए नैरो चैनल एक संकरीट चैनल को काटती हुई इन माउंटेन्स पर्वतों में वाटरफॉल्स रैपिड्स एंड कैनियंस आर फॉर्म जो वाटरफॉल्स है वह तेजी से बढ़ता है और एक कैनियन का निर्माण करता है. इन द मिडिल कोर्स में द रिवर इंटर्स इन द प्लेन्स जो नदी है वह प्लेन्स में इंटर करती है. रिवर वैली बिकम्स वाइडर और जो रिवर वैलीज हैं वह चौड़ी हो जाती हैं. इट्स स्पीड डिक्रीजेज और इसकी जो स्पीड है वह कम हो जाती है. एंड फॉर्म्स द मेनेंडर और मेनेंडर का निर्माण होता है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एज ट्रिब्यूटरीज एंड अदर रिवर्स ज्वाइन पानी का जो वॉल्यूम है वह बढ़ जाता है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज उसे ज्वाइन कर लेती हैं. इन द लोअर कोर्स और निचले कोर्स में द स्पीड ऑफ रिवर इज वेरी स्लो नदी का जो फैलाव है नदी की जो स्पीड है वह बहुत स्लो है. एंड रिवर डिपॉजिट सिल्ट नियर इट्स माउथ और जो नदी है यह अपने किनारे सिल्ट को जमा करती है. यह एक ट्रेंगुलर शेप स्ट्रक्चर इज फाउंड मेड यहाँ पर एक ट्रेंगल की आगे स्ट्रक्चर मेड होती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं. नाउ राइट एन एंसर टू रीड दिस चैप्टर.